आज जिस पर्सनालिटी की मैं बात करूंगी इन्होंने मॉडलिंग से टीवी और टीवी से फिल्मों तक का सफ़र तय किया है 2004 में ये इंडस्ट्री में आए थे और आज ये फिल्में और वेब सीरीज कर रहे हैं जिस वक्त ये टीवी में थे तो हाईएस्ट पेड एक्टर भी बने लेकिन तब इनके काम से ज़्यादा इनकी पर्सनल लाइफ के चर्चे रहे दो से लेकर दो के बीच इनकी तीसरी शादी भी हो गई और दो तलाक हो चुके थे बात करेंगे बिपाशा बसु के पति और बॉलीवुड एक्टर करण सिंह ग्रोवर की करण सिंह ग्रोवर की लाइफ से जुड़ी वो बातें मैं आपको बताऊंगी जो आपने शायद ही सुनी होंगी कब करण सिंह ग्रोवर को जिस शो ने पहचान दिलवाई उसी शो से उन्हें बाहर निकाल दिया गया क्यों करण सिंह ग्रोवर को उनकी सेकेंड वाइफ ने सरेआम लगाया थप्पड़ और कैसे बिपाशाबासू ये जानते हुए कि करण सिंह ग्रोवर के दो तलाक हो चुके हैं उनसे शादी की करण सिंह ग्रोवर है तो पंजाबी लेकिन उनके जन्म के कुछ ही सालों बाद उनकी फैमिली सऊदी अरब में सेटल हो गई करण सिंह ग्रोवर की स्कूलिंग सऊदी से ही हुई है उसके बाद होटल मैनेजमेंट का कोर्स करने के लिए करण सिंह ग्रोवर मुंबई आए यहां पर कुछ सालों कोर्स किया और उसके बाद वो सऊदी की ही होटल शैरटिन में मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव के जॉब पर लग गए लेकिन ये जॉब उन्हें रास नहीं आई उन्हें लगा कि लंबे समय तक ये काम उनसे नहीं हो पाएगा साथ ही करण सिंह ग्रोवर की बॉडी और कद काठ ही बहुत अच्छी थी उन्हें अपने लुक्स के लिए हमेशा कॉम्प्लीमेंट्स मिलते रहे हैं और तब करण सिंह ग्रोवर को काफ़ी लोगों ने मॉडलिंग के लिए सजेस्ट किया तो उन्होंने अपनी बॉडी पर काम करना शुरू किया और उसके बाद यह 2004 में ग्लैडरेक्स मिस्टर इंडिया कंपटीशन में उतरे जहां पर उन्हें मिस्टर पॉपुलर का अवार्ड मिला इस अवार्ड को जीतने के बाद करण सिंह ग्रोवर को बड़े मॉडलिंग ब्रांड्स मिलने लगे थे साथ ही टीवी के भी ऑफर्स आने लगे थे इसी दौरान उन्होंने शो किया कितनी मस्त जिंदगी द बालाजी शो जो कि एमटीवी पर आता था इस तरह से करण सिंह ग्रोवर टीवी में काम कर रहे थे लेकिन वैसी पहचान स्टारडम वाली उन्हें मिलनी बाकी थी इसी दौरान उन्होंने एकता कपूर के शो कसौटी जिंदगी की में काम किया और इसके बाद उन्हें मिला अपना ड्रीम रोल दिल मिल गए नाम का यह सीरियल था जो कि संजीवनी सीरियल के सीक्वल के तौर पर देखा जा रहा था और इसमें करण सिंह ग्रोवर ने लीड रोल निभाया था डॉक्टर अरमान मलिक का रोल उन्होंने ये निभाया था और इस शो ने करण सिंह ग्रोवर को टीवी का स्टार बना दिया था उनकी फैन फॉलोइंग जबरदस्त तरीके से हो गई और ये कहना गलत नहीं होगा कि शो की टीआरपीज़ करण सिंह ग्रोवर पर ही डिपेंड करती थी इस शो के बेसिस पर करण सिंह ग्रोवर को काफी एडवर्टीजमेंट मिलने लगे थे रियलिटी शोज के ऑफर भी आने लगे थे और करण सिंह ग्रोवर के दिमाग में शायद इस चीज का नशा चढ़ चुका था यही कारण है कि उनके डिसिप्लिन के इश्यूज आने लगे वो सेट पर लेट आने लगे साथ ही सेट पर निकलने के टाइम किसी को बताकर भी नहीं जाते थे कई बार एपिसोड शूट नहीं हो पाता था करण सिंह ग्रोवर के नहीं होने के कारण और फिर एपिसोड की स्टोरी चेंज करके उसको बनाना पड़ता था इस तरह के इश्यूज मेकर्स को झेलने पड़ रहे थे तब करण सिंह ग्रोवर को इस शो से बाहर निकाल दिया गया था लेकिन उनका ये सस्पेंशन ज्यादा दिन नहीं चला क्योंकि करण सिंह ग्रोवर के शो से निकलते ही शो की टी गिरने लगी मेकर्स को ना चाहते हुए भी करण सिंह ग्रोवर को इस शो में वापस लेना पड़ा जिस वक्त करण सिंह ग्रोवर दिल मिल गए शो से स्टार बन गए थे तभी उन्होंने शादी भी कर ली थी टीवी एक्ट्रेस श्रद्धा निगम के साथ करण सिंह ग्रोवर ने शादी कर ली थी लेकिन शादी के आठ महीने बाद ही दोनों का तलाक हो गया इसके पीछे कारण था करण सिंह ग्रोवर का फ्लर्टीशियस नेचर वो अपनी को एक्ट्रेसेस के साथ सेट पर जो भी लड़कियां होती थी उनके साथ फ्लर्ट करते थे और उनके साथ उनके रिलेशनशिप्स भी थे ऐसे में उनकी वाइफ ने कुछ समय तक तो इन सब को बर्दाश्त किया लेकिन जिस वक्त करण सिंह ग्रोवर जलक दिखलाजा थ्री कर रहे थे तब कोरियोग्राफर निकॉल के साथ उनकी काफ़ी नजदीकियां बढ़ गई और तो और करण ने शो के दौरान भी निकोल के लिए अपना प्यार जाहिर कर दिया था ये वो आखिरी दिन था जब श्रद्धा ने करण को चांस देना बंद किया और उन्होंने डिसाइड किया कि वो करण से तलाक ले लेगी 2007 में इन दोनों की शादी हुई और 2008 तक इन दोनों का डिर्स हो चुका था करण सिंह ग्रोवर की नजदीकियां निकोल के साथ तो काफी चर्चा का विषय थी लेकिन उधर दिल दिल मिल गए के सेट पर भी उनके दिल में किसी ने जगह बना ली थी टीवी एक्ट्रेस जेनिफर विंगेट के साथ उनका अफेयर शुरू हो गया दोनों ने एक दूसरे को लंबे समय तक डेट किया और फाइनली ईयर 2012 में जेनिफर और करण सिंह ग्रोवर ने शादी कर ली जब जेनिफर और करण सिंह ग्रोवर की शादी हुई तो दोनों के लिए कहा गया कि एक दूसरे के लिए बने हैं दोनों एक साथ में काफी अच्छे भी दिखते थे और तो और दोनों ने अपने रिलेशनशिप को पब्लिक के सामने डिस्प्ले करने में भी कभी भी हिचकिचाहट नहीं की एक अवार्ड शो के दौरान जेनिफर ने करण को लिप किस भी किया था और ये फोटो काफी वायरल भी हुई थी इसी दौरान करण सिंह ग्रोवर को एक नया शो मिला कबूल है करके ये शो था जिसमे करण सिंह ग्रोवर ने अहमद खान का किरदार निभाया करण का ये शो भी हिट हुआ उन्हें पब्लिक पसंद करती थी वो जिस शो का हिस्सा होते थे वो लोगों का ध्यान खींचते थे और शो की टीआरपी आती थी इसीलिए कम ही समय में करण सिंह ग्रोवर टी इंडस्ट्री के टॉप एक्टर बन चुके थे पर डे तीन लाख रुपया वो चार्ज करने लगे थे जो कि एक फिल्म स्टार की रेट होती है कहा जा सकता था कि शो अच्छा चल रहा है पर्सनल लाइफ अच्छी चल रही है बीवी भी, भी, भी खूबसूरत है वो भी एक्ट्रेस है दोनों सेम प्रोफेशन से है तो फिर जिंदगी में क्या चाहिए लेकिन करण सिंह ग्रोवर की जो आदतें थी फ्लर्टिंग की वो अभी भी खत्म नहीं हुई थी उनका एक डिवोर्स हो चुका था दूसरी शादी उनकी हो चुकी थी और जिस वक्त वो कबूल है शो शो में काम कर रहे थे तभी की प्रोड्यूसर गुल खान के साथ भी उनके नजदीकियों की खबरें आने लगी साथ ही इस शो में उनकी जो को एक्ट्रेस थी सुरभि ज्योति इनके साथ भी नजदीकियों के चर्चे होने लगे और ये बातें जेनिफर विंगेट के कानू तक पहुंची जिसके बाद उन्होंने डिसाइड किया कि जब तक वो अपनी आँखों से कुछ नहीं देख लेगी तब तक वो करण सिंह को कुछ नहीं बोलेगी एक बार जेनिफर ने करण सिंह ग्रोवर को उनके शूटिंग के सेट पर रंगे हाथों किसी लड़की के साथ पकड़ लिया और वो दिन जेनिफर वेंगेट के लिए आखिरी दिन था उस दिन जेनिफर वंगिट ने वहीं का वहीं करण सिंह ग्रोवर को एक थप्पड़ जड़ दिया और रिश्ते को यहीं इस थप्पड़ पर खत्म कर दिया 2012 में इन दोनों की शादी हुई थी और 2014 में जेनिफर वेंगेट के साथ करण सिंह ग्रोवर अलग भी हो चुके थे ये डिवोर्स वाकई में बेहद शॉकिंग था जहां करण सिंह ग्रोवर अपनी पर्सनल लाइफ में बहुत पीछे छूटते जा रहे थे वहीं करियर में उन्हें बेहतर अपॉर्चुनिटीज मिलती जा रही थी टीवी के शोज हिट हो रहे थे टीवी के हाइएस्ट पेड एक्टर बन चुके थे बड़े बड़े बैनर्स के साथ काम कर रहे थे अब समय था नेक्स्ट लेवल पर जाने का यानी कि बड़े पर्दे पर जाने का और यह इंतजार भी खत्म हो गया फिल्म अलोन के साथ इस फिल्म की लीड एक्ट्रेस थी बिपाशा बसु बिपाशा बसु वैसे तो करण सिंह ग्रोवर से बड़ी एक्ट्रेस थी सीनियर थी वो उनसे और स्टार्डम का लेवल भी उनका बड़ा था लेकिन बात करें उस टाइम के के बिपाशा करियर की तो उनका करियर थोड़ा रफ दौर से गुजर रहा था नो no डाउट एक टाइम पर बिपाशा अपने करियर के टॉप पर थी जब वो सलमान खान के साथ काम कर रही थी जब उन्होंने रेस जैसी फिल्म की थी बचना ए हसीनों की थी एक के बाद एक ग्लैमरस किरदार बिपाशा कर रही थी लेकिन एक टाइम ऐसा आया जब शब्बे की जिंदगी में सब कुछ बिखर गया जॉन इब्राहिम के साथ उनका 10 साल लंबा रिश्ता टूट गया बिपाशा जिंदगी में एकदम अकेली हो गई साथ ही बिपाशा जो कि इंडस्ट्री में एक आउटसाइडर थी उन्हें सिर्फ अपने करियर को बचाने के लिए कुछ ऐसी फिल्में करनी पड़ी जो फिल्में बड़ी थी बड़े स्टार की थी लेकिन बॉक्स ऑफिस पर यह फिल्में फ्लॉप रही जैसे कि प्लेयर्स जोड़ी ब्रेकर्स हम इसी दौरान बिपाशा ने हॉरर फिल्में करना शुरू कर दी उन्होंने आत्मा नाम की फिल्म की ये भी फ्लॉप रही इसके बाद बिपाशा बासू ने मजबूरी में इस अलोन नाम की फिल्म को किया लेकिन इस फिल्म के बाद बिपाशा पर्सनल लाइफ में अलोन नहीं रही ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर पिटी बिपाशा और करण सिंह ग्रोवर दोनों ही बहुत हॉट एक्टर्स हैं उनकी जोड़ी अच्छी लगती है लेकिन फिल्म ने अच्छा परफॉर्म नहीं किया हालांकि बिपाशा को करण सिंह ग्रोवर की कंपनी बेहद पसंद आई और इस फिल्म के रिलीज होने के बाद 2016 में विपाशा और करण सिंह ग्रोवर ने शादी कर ली कहा तो ये भी गया कि जेनिफर विंगेट और करण सिंह ग्रोवर की गृहस्थी में बिपाशा ने ही आग लगाई लेकिन ऐसा कुछ नहीं है ये बात प्रूफ करवाई गई जेनिफर और करण सिंह ग्रोवर के डिवोर्स पेपर्स को मीडिया में लीक करवाकर कहा गया कि इनका डिवोर्स पहले हो गया था वहीं बिपाशा और करण सिंह ग्रोवर ने 2014 सितंबर में डेट करना शुरू किया था तब करण सिंह ग्रोवर ऑलरेडी डिवोर्स थे बिपाशा और करण सिंह ग्रोवर के लिए शादी का ये डिसीजन ईजी नहीं था दोनों के लिए ही मुश्किल था विपाशा एक लॉन्ग टाइम रिलेशनशिप में रहकर आ चुकी थी और वो रिलेशनशिप एक खराब नोट पर ख़त्म हुआ था वहीं करण सिंह ग्रोवर की अगर बात करें तो उनकी दो शादियाँ टूट चुकी थी और काफ़ी रिलेशनशिप्स की भी खबरें थी ऐसे में विपाशा तो करण सिंह रोवर से, से शादी करना चाहती थी लेकिन विपाशा के पेरेंट्स को डाउट था फैमिली में आसपास फ्रेंड्स में भी सबको शक था कि ये शादी भी टूटने वाली है विपाशा के साथ भी धोखा ही होगा लेकिन विपाशा का कहना है कि दूर से ये कहना आसान है कि रिश्ता टूट गया रिश्ता नहीं निभा पाया लेकिन जब आप उस इंसान की सिचुएशन जानते हैं असलियत में क्या हुआ था ये जब आपको पता चलता है तो आपको समझ आता है कि ये परिस्थितियाँ इतनी ईजी नहीं होती है और करण ग्रोवर ने जो कुछ अपनी लाइफ में देखा उन चीजों से बिपाशा और भी ज्यादा टच हो गई जिसके बाद उन्होंने 2016 में मुंबई में सिंह ग्रोवर के साथ शादी शादी कर ली इस का एक ग्रैंड रिसेप्शन रखा गया सलमान खान भी बिपाशा की शादी में शामिल हुए थे लेकिन शादी होने के बाद इस कपल को दुनिया साथ में देखना चाहती थी जहां बिपाशा को फिल्मों में वहीं करण सिंह ग्रोवर को फिल्मों में या फिर सीरियस में एक्सपेक्ट कर रही थी लेकिन शादी के चार पाँच साल बीत गए इन दोनों ने कुछ काम ही नहीं किया बीच में तो खबर ये भी आई कि ये दोनों मॉडलिंग कर लेते हैं फोटो शूट्स कर लेते हैं इससे अच्छा खासा पैसा मिल जाता है क्योंकि शूटिंग एक लेबरस वर्क है आपको लंबे लंबे स्केड्यूल पर जाना पड़ता है यही कारण है कि विपाशा और करण एक दूसरे के साथ अच्छा टाइम बिताना चाहते थे इन दोनों ने इस तरह के कोई भी तो हीरो के तौर पर विपाशा करण सिंह ग्रोवर का नाम सजेस्ट करती ये मामला सिर्फ फिल्मों का ही नहीं था इवेंट्स शूट्स कुछ भी हो विपाशा करण सिंह ग्रोवर के लिए भी काम मांग लेती थी इसीलिए जो ऑफर्स थे वो आना लिमिटेड हो गए जब लंबे समय तक कुछ ठीक ऑफर नहीं मिला तो फाइनली कुछ ही समय पहले करण सिंह ग्रोवर फिर से नजर आए छोटे पर्दे पर सात आठ साल बाद उन्होंने टीवी पर काम किया था मिस्टर बजाज का रोल करते नजर आए थे कसौटी जिंदगी सीरियल पार्ट टू के अंदर हालांकि ये रोल भी उन्होंने कुछ दिनों तक निभाया और उसके बाद उनके एटीट्यूड इश्यू के कारण मेकर्स के साथ उनकी बात नहीं बनी और उन्होंने इस शो को भी बीच में ही छोड़ दिया डेंजरस नाम की एक वेब सीरीज की है करण सिंह ग्रोवर ने और उसमें विपाशा भी उनके साथ है लेकिन जिस तरह का काम विपाशा का शादी से पहले या टू से पहले नजर आया था वैसा काम अभी विपाशा का काफ़ी सालों से नज़र नहीं आया है बहुत ही लो प्रोफाइल उन्होंने मेंटेन कर ली है शादी के बाद और करण सिंह ग्रोवर भी ज़्यादा जल्दबाजी में नहीं है फिल्में साइन करने में या प्रोजेक्ट साइन करने में दोनों शायद कुछ बड़ा ही करना चाहते हैं करण सिंह ग्रोवर इंडस्ट्री में उन एक्टर्स में से एक है जिन्होंने मॉडलिंग से अपने करियर की शुरुआत की छोटे पर्दे पर एक्टिंग की कामयाबी हासिल की और उसके बाद वो बड़े पर्दे पर आए हालांकि पर्सनल लाइफ को लेकर हमेशा उनके इश्यूज बनते रहे हैं और कैरेक्टर पर सवाल उठते थे लेकिन बिपाशा बासु के आने के बाद ये सब बंद हो गया करण सिंह ग्रोवर का कौन सा किरदार आपको बहुत अच्छा लगा कॉमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करें कब क्यों और कैसे में अभी के लिए बस इतना ही फिर मिलेंगे बॉलीवुड की एक और स्टोरी के साथ लाइक like करें हमारा फेसबुक पेज बॉलीवुड ठिकाना फॉलो करें हमें इंस्टा पे और सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल बॉलीवुड ठिकाना